आपके भीतर का जीवन बोल रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है मैं बस उसी सच्चाई को एक गूंज बना रहा हूँ सबसे बढ़कर मैं अब थकने लगा हूं तनाव मिटाने वाला और आपके पति या पत्नी को सुधारने वाला गुरु बनते बनते अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से ऊपर नहीं उठता तो मुझे माफ कीजिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा <laughs> कोई मुझसे पूछ रहा था सदगुरु आप हमारे साथ इतना कठोर बर्ताव क्यों करते हैं nice कई गुरु अच्छी बातें बोलते हैं आप लगातार कठोर बर्ताव करते हैं हम जो भी करते हैं आप कहते हैं यह काफी नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा आपके भीतर का जीवन बोल रहा है, है ना कि आप जो भी करते हैं वो काफी नहीं है हेलो आपके भीतर का जीवन बोल रहा है आप जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है मैं बस उसी सच्चाई को एक गूंज बना रहा हूं सबसे बढ़कर मैं अब थकने लगा हूं तनाव मिटाने वाला और आपके पति या पत्नी को सुधारने वाला गुरु बनते बनते <laughs> एक योगी का मतलब है कि उसे आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके शारीरिक और मानसिक नाटक से परे हो मैं आपके शारीरिक और मानसिक नाटक का निर्देशक नहीं हूं ये दोनों नाटक अच्छे से चलाना आपका काम है है ना आप में जीवन चलाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमानी है हाँ या ना हम्म पर्याप्त बुद्धिमानी है सवाल सिर्फ यही है कि वो आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ जब आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम करती है तो आपका काम खत्म हाँ, कोई और आपके खिलाफ काम करे तो उसे मैनेज किया जा सकता है हम्म उसे मैनेज किया जा सकता है जब आपकी ही बुद्धि आपके खिलाफ काम करने लगे तो आपका काम खत्म उस स्थिति में कोई संभावना नहीं होती तो तरीका क्या है आदि योगी ने आत्मज्ञान पाने के तीन बुनियादी प्रबंधों की बात की एक तरह के लोगों के साथ जो सप्तऋषि थे जो सात बहुत ही केंद्रित इंसान थे उन्होंने आत्मज्ञान के विज्ञान की बात की और यह खोज दशकों तक चलती रही इसके लिए आपको एक बहुत तेज बुद्धि और धीरज की जरूरत होगी ताकि आप दशकों तक किसी चीज को थामे रखें ताकि आप बस एक ही दिशा में केंद्रित रहें मन के द्वारा अपने मन को एक ही चीज पर रखना एक समय अवधि तक इसके लिए जबरदस्त क्षमता चाहिए बुद्धि की क्षमता ताकि आप किसी चीज पर टिके रहें बिना डगमगाए। अपनी भावनाओं को टिकाए रखना थोड़ा आसान है तो जब उन्होंने देखा कि जिस तरह वो सप्तऋषियों को सिखा रहे थे हालांकि शुरू में सभी को लगता है कि वो बुद्धिमान हैं और आत्मज्ञान के विज्ञान की बातें सुनकर उनका मनोरंजन होता है कुछ समय बाद वो टिके नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसके लिए तेज बुद्धि और धीरज दोनों चाहिए जो तेज हैं वो कहीं टिक नहीं पाते वो लोग जो थोड़े मंद हैं सिर्फ उन्हीं में थोड़ा धीरज है या दुर्भाग्य है तेज और हमेशा पूरी तरह धीरज की स्थिति में भी रहने वाले बहुत कम लोग हैं ज्यादा नहीं हैं। तो उन्होंने अगली संभावना तब देखी जब उनकी पत्नी पार्वती आई वो उनके पास जबरदस्त प्रेम और भक्ति के साथ आई थी तो such, उनका प्रेम और भक्ति ऐसी थी कि वो उन्हें अपना एक हिस्सा बना पाए और वो शिव का आधा हिस्सा बन गई वास्तव में भारतीय भाषाओं में पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं मतलब वो वाकई आपका आधा हिस्सा है शायद अंग्रेजी में भी ऐसा एक शब्द है बेटर हाफ बेटर हाफ वट एवर ये हर मामले में अलग होता है <laughs> तो उन्होंने ये दर्शाया कि सिर्फ भावनाओं से आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं क्योंकि जब आपकी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तो केंद्रित रहना बहुत आसान होता है जब 18 या 20 की उम्र में आपको किसी से प्रेम हुआ था तो आप उनकी छवि अपने मन से मिटा ही नहीं पाते थे वो हमेशा वहीं रहती थी क्योंकि जब आपकी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तो आपका मन बस वहीं रहता है आप जो भी सोचते हैं आप जो भी करते हैं और आपकी ऊर्जाएं भी उसी दिशा में मुड़ जाती हैं क्योंकि आपकी भावनाएं किसी चीज से जुड़ गई हैं तो पार्वती ने यही किया उन्होंने अपनी आदि योगी से इस तरह जोड़ दी कि जो भावनाएं प्रेम के रूप में शुरू हुई वो भक्ति बन गई भक्ति का मतलब ये वो घोल है जिसमें आप धीरे धीरे घुल जाते हैं आपका व्यक्तित्व कम से कम होता चला जाता है तो वो अपने आत्मज्ञान तक उस तरह पहुंची उन्होंने उन अर्थों में परम तत्व को जाना वहां कुछ और भी प्राणी थे जो उनके अपने थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे उन्हीं का एक हिस्सा हो उन्होंने पूछा हमारा क्या ये सभी लोग तो चमक रहे हैं हमारा क्या होगा वो बोले आप इन सभी चीजों की चिंता मत कीजिए ये बुद्धिमान मूर्खों के लिए है वो भावनाओं से भरे मूर्खों के लिए है आप इन चीजों की चिंता मत कीजिए आप बस यहीं रहिए आप वैसे भी मेरे हिस्से हैं आपके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है आत्मज्ञान और ज्ञान की चिंता मत कीजिए आप बस यहीं रहिए क्योंकि आप खुद को एक अलग व्यक्ति ही नहीं समझते इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बस यहीं रहिए यही सब कुछ है तो इन तीन तरीकों से उन्होंने आत्मज्ञान पहुंचाया आजकल की दुनिया में आपको बुद्धि से शुरुआत करनी पड़ती है क्योंकि हर कोई सोचता है उन्होंने सिर्फ स्कूल में विज्ञान पढ़ा है पर आज दुनिया में हर कोई सोचता है वो वैज्ञानिक है तो अगर आपको इस बुद्धि को ऐसा बनाना है कि वो लंबे समय तक इस तरह रह सके तो ये बहुत बढ़िया है इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा लेकिन आपकी भावनाओं में ऐसा करने की क्षमता है आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप किसी से भावनाओं के स्तर पर पूरी तरह जुड़ गए थे 24 घंटे जुड़े रहते थे ऐसा हुआ है कि नहीं तो आपकी भावनाओं में ज्यादा क्षमताएं हैं आपकी बुद्धि की तुलना में चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री या आपके लिए सच है इस पर ध्यान दीजिए हो सकता है आपका प्रेम इतना केंद्रित ना हो पर कम से कम आपका क्रोध केंद्रित है वो भी एक भावना है अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से ऊपर नहीं उठता तो मुझे माफ कीजिए मैं आपसे बात नहीं कर रहा <laughs> अगर आप यह नहीं जानते कि अपने मन को अपने शरीर की आदतों से ऊपर कैसे ले जाएं, अगर आप उनसे ऊपर नहीं उठते तो आपसे ऊंची चीजों की बातें करने का क्या फायदा है आप अपने जीवन की इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहे आप बस शरीर के तौर तरीकों से संतुष्ट हैं बस यही है क्या यह गलत है बिल्कुल नहीं ये बस सीमित है क्या सीमित होना गलत है बिल्कुल नहीं लेकिन अगर यह मेरे साथ हो तो मैं ऐसे अपने जीवन के खिलाफ एक अपराध मानूंगा लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग मापदंड होते हैं यह बिल्कुल ठीक है बस यही है कि ऊंची चीजों की बातें मत कीजिए जब आप ये चाहते हैं यह आपके समय की बर्बादी है और मेरे समय की भी कुछ शारीरिक चीजों ने लोगों के मन में इतना बड़ा रूप ले लिया है कि ऐसा लगता है उनसे परे जाने का कोई तरीका नहीं है नहीं नहीं आपको बस उसे थोड़ी सी ज्यादा जागरूकता के साथ देखना होगा क्या आप में इन चीजों से परे जाने की बुद्धि नहीं है आप में है मेरा विश्वास कीजिए बस यही है कि आपकी बुद्धि इतनी चीजों से बंध गई है कि ये सीधा नहीं सोच पा रही है क्योंकि छोटी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को आपने इतना ज्यादा सजा दिया है इतना ज्यादा श्रृंगार किया है कि आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या है ये बहुत सरल प्रक्रिया है भूख और कामुकता की शारीरिक जरूरतें बहुत ही सरल चीजें हैं अगर आप उनके असली रूप को देखें तो बहुत आसानी से आप इनके परे देख सकते हैं शरीर और मन यह साधन आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप जी सकें ना कि इसलिए कि आप इन दो साधनों के गुलाम बन जाएं। आपका काम इन पर महारत हासिल करना है